नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं अपर्णा मौजम। मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर अस्पताल की तरफ से कई दावे किए जाते हैं। डॉक्टर्स की तैनाती से लेकर सुरक्षा और साफ सफाई के चाक चौबंद तक, लेकिन हकीकत दावे से परे है। न्यूज 18 की टीम आधी रात को अस्पताल पहुंची और दावों का रियलिटी चेक किया तो सारी पोल खुल गई। जब हमारे टीकमगढ़ के संवाददाता जिला अस्पताल पहुंचे तो वहां जो कुछ दिखा उसे देखकर हैरान रह गए। वहां मौजूद एक डॉक्टर से बातचीत की तो अस्पताल की सारी कलई खुल गई। अस्पताल में 500 मरीजों को देखने के लिए सिर्फ एक डॉक्टर मौजूद थे। अस्पताल की रियलिटी चेक में क्या कुछ और निकलकर सामने आया है, इसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। उसके लिए देखिए हमारे संवाददाता राजीव रावत की रिपोर्ट। रियलिटी चेक करने के लिए हमें अस्पताल के ट्रामा सेंटर में हैं, जहां पर डॉक्टर्स ड्यूटी के दौरान मौजूद रहते हैं और यह है इमरजेंसी डॉक्टर का रूम, जहां पर इमरजेंसी के दौरान रात में डॉक्टर पेशेंटों को देखने के लिए यहां पर मौजूद रहते हैं। हम देखते हैं कि यहां पर कौन से डॉक्टर की ड्यूटी हो और किस तरीके से वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। यहां पर देखिए आप, हालांकि रात में यहां पर डॉक्टर मौजूद हैं, यह जिला अस्पताल है और जिला अस्पताल में यहां पर इमरजेंसी में एक डॉक्टर यहां पर हम नज़र आ रहे हैं जो रात में पेशेंटों को भी। अच्छा अरविंद सिंह जी, यहाँ पे कितने मरीज लगभग रात में होते होंगे, कितने डॉक्टर की ड्यूटी रहती है? इमरजेंसी में तो एक ही रखी रहती है और अगर ज़रूरत पड़ती है तो हम जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं उनको बुला लेते हैं ऑन कॉल पे। रात में लगभग कितने पेशेंट आ जाते होंगे इमरजेंसी में? अप्रोक्स 200 के आसपास, 200 पेशेंटों को एक ही डॉक्टर देखते क्या? नहीं, मतलब जैसे जो इमरजेंसी में रहते हैं कुछ तो चले जाते हैं, 40-50 पेशेंट भर्ती भी हो जाते हैं, लगता है तो बुला लेते हैं और भी डॉक्टरों को। तो पूरे अस्पताल में लगभग कितने पेशेंट अभी भर्ती होंगे? अप्रोक्स 500 के आसपास। जिला अस्पताल है जहां पर लगभग 500 मरीज पूरे अस्पताल में भर्ती रहते हैं, लेकिन इमरजेंसी के दौरान सिर्फ एक ही डॉक्टर की ड्यूटी रहती है। जब कोई क्रिटिकल कंडीशन आती है तो ऑन कॉल डॉक्टर्स को बुला लेते हैं, लेकिन एक डॉक्टर के भरोसे ही पूरा जिला अस्पताल चल रहा है। राजीव रावत, न्यूज 18, टीकमगढ़। अब हम आपको टीकमगढ़ जिला अस्पताल के रियलिटी चेक का एक और पार्ट दिखाते हैं। जिला अस्पताल के मेल मेडिकल वार्ड में क्या कुछ इंतजाम है ये जाना हमारे सहयोगी राजीव रावत ने। इस दौरान दर्जनों बेड वाले वार्ड में गर्मी से निपटने के लिए सिर्फ एक कूलर और कुछ पंखे ही लगाए गए थे। जो मरीज गर्मी की वजह से बीमार होकर अस्पताल इलाज कराने के लिए पहुंचे, वो अस्पताल पहुंचकर गर्मी की वजह से और बीमार पड़ गए। जो मेल सर्जिकल वार्ड है उसके दूसरे मंजिल की हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, या मेल सर्जिकल वार्ड है, यहाँ पे भी यही उसी तरह की कमियाँ आपको दिखाई दे रही हैं। हालांकि यहाँ पे देखिए गर्मी काफ़ी है और सिर्फ एक कूलर ही यहाँ पे चल रहा है, लेकिन यहाँ पे भी इसी तरह की गंदगी है और बेड सीट के भी इंतज़ाम नहीं है। 12 बजे का वक्त है, यहाँ पे जो पेशेंट हैं वो सो रहे हैं, लेकिन गर्मी काफ़ी है और यहाँ पे एसी की व्यवस्था भी नहीं है, सिर्फ कूलर और पंखे ही चल रहे हैं। जो स्टाफ रूम है यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे हालांकि कुछ सिस्टर्स वगैरह यहाँ पे दिखाई दे रही हैं और यहाँ पे रियलिटी चेक में सिस्टर, नमस्ते सिस्टर, यहाँ पे किस डॉक्टर की, कौन सा डॉक्टर है रात में नाइट में अभी यहाँ पर? हाँ, 5 नंबर में बैठे हैं डॉक्टर, शायद अरविंद है, मुझे नाम नहीं कन्फर्म, लेकिन है 5 नंबर में रहते हैं। तो ये मेल फीमेल सर्जरी का सारे वार्ड के पेशेंट वही एडमिट करते हैं। रात में कितने सिस्टर की ड्यूटी रहती है आपके यहाँ? यहाँ हम लोग 2 रहते हैं। हालांकि सिस्टर अपनी बखूबी ड्यूटी कर रही हैं और यहाँ पे जो सिस्टर हैं वो लगातार रात में अपने पेशेंटों को देख रही हैं, लेकिन जो वार्ड हैं उनमें कहीं भी साफ सफाई और बेड सीट के इंतजाम दिखाई नहीं दे रहे हैं। राजीव रावत, न्यूज 18, टीकमगढ़। अब आपको उस अस्पताल की हकीकत दिखाते हैं जिसे जिला अस्पताल कहते हैं। जिला अस्पताल मतलब वो अस्पताल जो पूरे जिले के मरीजों का भार उठाता है, जहां मरीज ये सोचकर जाता है कि वहां अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं होंगी। लेकिन जब न्यूज 18 की टीम टीकमगढ़ के जिला अस्पताल पहुंची, वहां का रियलिटी चेक किया तो बच्चा वार्ड यानी कि PICU का जो हाल दिखा उसे देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। वार्ड में AC तो है लेकिन किसी काम का नहीं, बेड है लेकिन बेडशीट नहीं, वॉशरूम है लेकिन पानी नहीं। रिपोर्ट देखिए। रियलिटी चेक करने के लिए आज हम निकले हैं और सबसे पहले हम यहाँ के
जो बच्चा वार्ड है उसमें पहुंची हैं, जो PICU जो वार्ड है यहाँ का नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ आप देख रहे हैं कि ये बच्चा वार्ड है, यहाँ पे बच्चे छोटे छोटे बच्चे हैं वो भर्ती रहते हैं, और इस बच्चा वार्ड में आप देख रहे हैं कि लोग यहाँ पे लेटे हुए हैं, जो जिस बेड को बच्चे को लेटना चाहिए उस बेड पर बड़े लोग यहाँ पे लेटे हुए हैं, और कुछ बच्चे ज़मीन पर आप यहाँ देख रहे हैं कि नीचे लेटे हुए हैं। और यहाँ पे जो साफ़ सफाई का हमें नहीं लगता कि कोई माकूल इंतज़ाम होगा, और बेड सीट भी यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इस किसी भी पलंग पे आपको बेड सीट नज़र नहीं आएगी, और इस पे रूम में काफ़ी गर्मी है, और एसी जो एसी यहाँ पे लगे हुए हैं वो ख़राब हैं, बंद पड़े हैं, सिर्फ पंखे और एक कूलर यहाँ पे चल रहा है। क्यों भाई, क्या हुआ बच्चे को आपके? अच्छा, उल्टी दस्त हुआ। हाँ। अच्छा, क्या दिक्कत है यहाँ पे? यहाँ पे पानी की व्यवस्था नहीं है, नीचे से ले आ रहे। गर्मी कैसी है? और बहुत ज्यादा है बच्चा, मुझे कहा तूफ रहा है। एसी चल रहे हैं? कुछ एसी में सी नहीं जाता, कितने एसी है। बेड सीट मिलती है कि नहीं बिछाने को? कुछ नहीं है, तो देखो कम्बल तक नहीं मिल रहा, कुछ नहीं मिल रहा। सबसे बड़ी बात यह है कि इस वार्ड में बच्चों के लिए यहाँ पे टॉयलेट की व्यवस्था तक नहीं है। राजीव रावत, न्यूज 18, टीकमगढ़। मुरैना में जिला अस्पताल में स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा लेने के लिए न्यूज 18 की टीम पहुंची, जहां अधिकांश नर्स जो वो थी वो नींद में थी। हमारी टीम ने मरीज के परिवार वालों से बातचीत की, इस दौरान उन्होंने व्यवस्था की खामियाओं से लेकर इलाज में आनाकानी करने वाले डॉक्टर्स की शिकायत की। जिला मुख्यालय पर सरकारी अस्पताल में 600 बेड हैं, उन पर बेडशीट तक नहीं है, लेकिन हालात ऐसे हैं कि इस गर्मी के मौसम में मरीजों की संख्या ज्यादा होने के चलते एक बेड पर दो दो मरीजों को भर्ती करना पड़ रहा है। यही वजह है कि जिला अस्पताल में 750 से ज्यादा मरीज भर्ती हैं, जबकि मरीज के अटेंडेंट को फर्श पर ही लेटना पड़ रहा है। रात में दो डॉक्टर रहते हैं, एक मैं हूँ, एक साथ में डॉक्टर प्रशांत अग्रवाल है। हाँ, इस समय के गर्मी भी है तो उल्टी दस्त के मरीज की भी काफ़ी ज़्यादा है। हमारे जिला चिकित्सालय में अभी 25 के आसपास लगभग विशेषज्ञ डॉक्टर हैं, और 30 से 35 के अलावा मेडिकल ऑफिसर पदस्थ हैं अभी, और जो नर्सिंग स्टाफ जो हमारे पास है 270 के आसपास नर्सिंग स्टाफ पदस्थ है, और वार्ड बॉय की संख्या हमारे पास कम है थोड़ी सी, तो 20 से 22 के आसपास वार्ड बॉय हमारे पास हैं कार्यरत अभी। कूलर वूलर की व्यवस्था नहीं है इसमें, थोड़ी सी गर्मी ज़्यादा लगती है इसमें, और थोड़ी सी देखो आप देख ही रहे हो तो गंदगी थोड़ा बहुत पड़ा हुआ है यहाँ पर। अच्छा, डॉक्टरों का राउंड की बात की जाए नर्सिस का, तो अभी एक बार देख गए हैं डॉक्टर साहब, उसके बाद नहीं आए, दो तीन बार बुलाने के। यहाँ पर कोई मेंटेनेंस नहीं है, यहाँ पर डॉक्टर को बोलो तो बोल देते हैं यहाँ पे आ रहा हूँ और ले जाओ, क्या है देखते वखते नहीं है, वो लोग किसकी बोल रहे हो, कहीं पे भी जाते हैं बोल दो ले जाओ यहाँ से, इधर वार्ड में बता बैठा देंगे, बोल रहे हैं 10 मिनट में आ रहे हैं, दो दो घंटे हो रहे हैं। वहीं शहडोल के अंतिम छोर में एक इलाका ऐसा भी है जहाँ आज भी लाखों लोगों की जिंदगियां नाव के सहारे हैं। उन नाव को चलाने वाले नाविक अगर छुट्टी ले लें तो हजारों लोगों के जरूरी काम रुक जाएंगे। नदी पर पुल बनाने के लिए पैसे भी आए, लेकिन करप्शन के खेल में पुल नहीं बन पाया। पुल के दो पिलर बने लेकिन वो पानी में बह गए। आम जनता पूछ रही है कि पुल कब बनेगा, तो वहीं अधिकारी आश्वासन तो दे रहे हैं लेकिन पुल नहीं दे पा रहे। ये कलकल बहती नदी, नदी के किनारे खड़ी दो पहिए वाली गाड़ी पूछ रही है, नदी के उस पार दूसरे शहर को जाना हो तो क्या तैर कर जाएं या फिर आसमान में उड़कर जाएं? जो दो पहिया गाड़ी सड़क पर फर्राटा भरती हो उसकी ऐसी नौबत सड़क तक पहुंचने के लिए दूसरी गाड़ी से रवाना होना पड़े, और ये सब हो रहा है प्रशासन अधिकारी और उन ठेकेदारों की वजह से जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं। तस्वीरें विजय सोता की है जहां शहडोल, उमरिया और कटनी का रास्ता निकलता है, लेकिन हर साल इस क्षेत्र में जल भराव की स्थिति बन जाती है जिससे यहां के बाशिंदे को विजय सोता का रेलवे स्टेशन जाने के लिए या फिर शहर जाने के लिए नदी को नाव के सहारे पार करना पड़ता है। एक नाव पर दर्जनों बाइक और बाइक के मालिक सवार रहते हैं जो खतरे से कम नहीं है।
हाँ हम व्यवहारी से व्यवहारी के इस पार सोन नदी के उस पार जाने के लिए कोई साधन नहीं है, केवल नाव का है। और एक जो पुल बन रही थी वो भी अधूरी पड़ी है, पता नहीं उसमें क्या कारण है। 2020 में यहाँ लगभग 112 करोड़ रुपए की लागत से एक बड़े पुल निर्माण की स्वीकृति हुई, लेकिन इसमें भी जमकर भ्रष्टाचार हुआ। दो पाया बनते ही पानी में ढह गए। इस बड़ी लापरवाही के लिए सरकार की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया गया, ठेकेदार ने काम बंद कर दिया। ये पपौन से कटनी जाने का रूट जो है केवल एक सोन नदी नाव का यात्रा है, और जो पुल जो यहाँ बन रही थी वो भी कैंसिल हो चुकी है। आज 20 साल से लोग जो है आप देख सकते हैं सामने दो दो नावें आपके जा रही हैं, इधर से लोग अपनी जान जो है जोखिम में डाल के इधर से उधर इस पार से उस पार कर रहे हैं। शासन प्रशासन की अनदेखी के चलते हर दिन सैकड़ों लोगों की जान खतरे में होती है। मासूम नौजात से लेकर बुजुर्ग तक इन अवैध रूप से चलने वाली नावों में सवार होते हैं। इनकी सुरक्षा की सुध लेने वाला कोई नहीं है। भाजपा विधायक शरद कोल का कहना है कि कुछ तकनीकी कमी के चलते पुल निर्माण कार्य में विलम्ब हुआ है, अब जल्द ही निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा। डिले जरूर हुआ है लेकिन उसका काम अभी कंटिन्यू है, जल्द ही वो सौगात हमारे क्षेत्रवासियों को मिलेगी और उससे पुल कंप्लीट होने के बाद कनेक्टिविटी सीधा कटनी जिले से हमारी हो जाएगी। नेताजी कह रहे हैं कि ग्रामीणों को जल्द पुल का लाभ मिलेगा, और कलेक्टर साहब कह रहे हैं कि पुल निर्माण कार्य की समीक्षा की गई है, बारिश के पहले पुल का निर्माण पूरा करने की हिदायत भी दी गई है। विजय सोता में जो है ब्रिज निर्माण जो है ब्रिज कॉरपोरेशन द्वारा जो किया जा रहा है, उपरोक्त कार्य को जो है बारिश के पहले वो पूर्ण कर लें, इसके लिए जो है जो संबंधित संस्थान है जो ब्रिज कॉरपोरेशन है उसको निर्देशित किया गया है। अधिकारी हो या नेता, सभी आश्वासन दे रहे हैं। हाँ, ये अलग बात है कि पुल का निर्माण नहीं करवा पा रहे हैं। अब देखना ये है कि क्या बारिश से पहले पुल बनकर तैयार होता है या फिर नेता और अधिकारियों के वादे हवा हवाई वाले हैं। शहडोल से सौरभ कुमार पांडे की रिपोर्ट, न्यूज 18। राजधानी भोपाल में भीषण गर्मी के बीच सड़कों पर चलना मुश्किल है। किसी चौक चौराहे या रेड लाइट पर कुछ मिनट खड़ा होना किसी सजा से कम नहीं है। राहगीरों की इसी समस्या को देखते हुए भोपाल के टेंट कारोबारी ने अपनी दुकान और चौराहे के आगे टेंट लगा दिया है। दूसरी तरफ नगर निगम भी रेड लाइट पर छोटे छोटे टेंट के शेड बना रहा है ताकि लोगों को इस गर्मी में थोड़ी राहत मिल सके। गर्मी से निजात पाने के लिए चौतरफा पहल हो रही है। एक तरफ निगम ने पहल की है और ये शेड निगम रोडों पर लगा रहा है ताकि जो रेड लाइट पर खड़े होने वाले लोग हों उन्हें दिक्कत ना हो, और केवल नगर निगम ही नहीं बल्कि आम लोगों ने भी पहल शुरू की है। ये और एक तस्वीर आपको दिखाता हूँ। ये पहल यहाँ के एक शॉप एक कारोबारी हैं, उन्होंने ये प्रयास किया है। इसके ज़रिए जो भी यहाँ लोग रुकेंगे उन्हें राहत मिलेगी, दिक्कत नहीं होगी, और राहगीर भी जो हैं वो कुछ राहत महसूस करते नज़र आ रहे हैं। ये देखिए आप, ये पूरा एक टेंट लगाया हुआ है, इसी रेड लाइट पर जो रुकेंगे उन्हें तकलीफ ना हो, ये इसके पीछे एक प्रयास नज़र आता है। पर जब राहत कुछ इस टेंट के लगने से जो लोग रेड लाइट पर रुकेंगे उनके लिए कुछ रहेगी राहत? नहीं, बिल्कुल है। अच्छी पहल है ये, कारोबारी यहाँ पे बिल्कुल। चलिए, तो देख सकते हैं आप लोग भी राहत महसूस कर रहे हैं, और ये बात ठीक भी है कि अगर रेड लाइट पर अगर लोग रुकते हैं और शेड में खड़े होते हैं, चूँकि लगातार 45 पार है पारा, ऐसे में धूप से थोड़ी भी बचाव आपको बड़ी राहत ज़रूर दे सकती है। और यहाँ कुछ और लोग हैं उनसे भी हम बात करेंगे। दादा, ये टेंट लगाया गया है, कुछ राहत आपको लगता है इससे मिलेगी? थोड़ी बहुत राहत तो मिली है साहब जी, गर्मी बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल, 45 के पार है पारा। नौ तपा में काफ़ी धूप का सामना करना पड़ता है लोगों को, तो टू व्हीलर्स वाले जो होते हैं उनको इतनी धूप लगती है चिलचिलाती धूप में, अगर उनको 30-50 सेकंड रुकना पड़ जाए तो काफ़ी व्याकुल हो जाते हैं। तो हमारी व्यवस्था रही है कि यहाँ ये थोड़ा पंडाल लगा दिए जाए ताकि उनको कुछ समय के लिए राहत मिल सके। बिल्कुल, और लोग भी प्रोत्साहित हो सकते हैं इन सज्जन से जिन्होंने अपनी दुकान के सामने ये एक छोटा सा टेंट लगाकर लोगों को राहत देने की कोशिश की है। कैमरामैन दीपक सिंह के साथ प्रशांत कटारे, न्यूज 18 भोपाल। और अब